ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। प्लैंक एक हमारा है जो कि फ्रिक्शन के साथ इंक्लाइंड प्लेन पे चलता है, उसमें हम बॉल फेंकते हैं। सो प्रोजेक्टाइल मोशन इन अ मूविंग प्लैंक विच इज़ मूविंग विद फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इंटरेस्टिंग है। तो ये किसी वेलोसिटी u0 से हमने टाइम t=0 पे बॉल फेंकी, और से उस टाइम में प्लैंक का वेलोसिटी जब था यू प्लैंक t=0 पे, और ये सब मोशन t=0 से स्टार्ट हुआ। ये एंगल अल्फा है बॉल का, ये मेजर किया है u0 और अल्फा इस आदमी ने जो कि प्लैंक में खड़ा है। ये आदमी ए है और एक आदमी यहाँ पे खड़ा है फिक्स फ्रेम में, ये आदमी बी है। हमें पता लगाना है ए कितना डिस्टेंस मेजर करेगा इस बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा जब हो जाएगा इस प्लैंक में। और प्लैंक जो है नीचे मूव कर रहा है लेकिन फ्रिक्शन है। तो पहले तो सिंपल, आप जब फ्रिक्शन फोर्स होता है, इंक्लाइंड प्लेन होता है, कोई भी बॉडी मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन कितना आता है स्टैंडर्ड, वो तो मैं अगर निकालूंगा तो लेंथी हो जाएगा, मैं स्टैंडर्ड लिख देता हूँ विद योर परमिशन। इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स आएगा, वो आएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये एंगल अगर थीटा है, मैं यहाँ पे ये मान रहा हूँ कि बॉल का जो मास है वो नेग्लेजिबल है एज़ कम्पेयर टू प्लैंक। एनीवे बॉल का प्लैंक के साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं है टाइम ऑफ फ्लाइट में, लेकिन इनिशियली जब बॉल फेंका तो एक कांटेक्ट होगा और रिएक्शन फोर्स लगेगा, उससे मोशन हल्का सा डिस्टर्ब होना चाहिए, लेकिन वो डिस्टर्बेंस हम निगलेक्ट कर रहे हैं। राइट नाउ एक्सलरेशन हमारा प्लैंक का पता चल गया। सो अब ये रेफरेंस फ्रेम हम प्लैंक का ले लेते हैं। सो एक हमारा एक रेफरेंस फ्रेम है जो कि नॉन इनर्शियल है, तो मैं इसको एक डिब्बा बना लेता हूँ। ये आपका एक्सलरेशन ए से चल रहा है, उस ए की वैल्यू मैं ऊपर लिख चुका हूँ, वो आप अलग से निकाल लीजिए। कोई भी प्लैंक जब नीचे आ रहा है फ्रिक्शन से तो उसका एक्सलरेशन क्या होगा डाउनवर्ड्स। अब बॉल की फ्लाइट इस प्लैंक में है, ये आदमी सारी कैलकुलेशन इस प्लैंक में खड़ा होके इसके फ्रेम में खड़ा होके करता है। ये इनिशियल वेलोसिटी अल्फा थी। अब बॉल पे क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, एक स्यूडो फोर्स लगेगा एम ए, लेकिन ग्रेविटी तो बॉल को छोड़ने वाला नहीं है, तो बॉल पे एक तो लगेगा एम जी साइन थीटा और एक ऐसे लगेगा एम जी कॉस थीटा। तो बेसिकली इस डायरेक्शन में तो जी साइन थीटा हुआ एक्सेलरेशन इस रेफरेंस फ्रेम में जो कि मूव कर रहा है। अब मूव खत्म, जब आपने स्यूडो फोर्स लगा लिया तो भूल जाइए मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब आप इसे फ्रीज मान सकते हैं अपने माइंड में, अब भूल जाइए कि मूव कर रहा है। स्यूडो फोर्स लगा लिया उसके बाद इजी हो गया, और आपका जो एक्सलरेशन है इस बॉडी का दो कंपोनेंट हैं। एक तो ये ऊपर अगर वाई है तो वाई के डायरेक्शन में तो है, वाई के डायरेक्शन में हुआ जी नॉट साइन थीटा, सॉरी जी कॉस थीटा, और एक्स के डायरेक्शन में हुआ, मैं अब इस डायरेक्शन में लिख लेता हूँ, ये आपका वाई है और ये एक्स है। तो ए एक्स तो हुआ आपका ए माइनस जी साइन थीटा। सिंपल निकाल लीजिए, बॉल का मास एम है, एम ए इज इक्वल टू एम, ये बॉल का मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ, एम ए डैश इज इक्वल टू एम ए माइनस एम जी साइन थीटा। ये स्यूडो फोर्स था, ग्रेविटी वाला था, तो ए डैश आया ए माइनस जी साइन थीटा, वो ए डैश को ही मैंने यहाँ ए एक्स लिखा है। सो ए एक्स का वैल्यू है ए माइनस जी साइन थीटा, मतलब ए की वैल्यू थी जी साइन थीटा माइनस म्यू के है एक्चुअली ये जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। तो ए एक्स का वैल्यू आया माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ, ये हो गया आपका ए का, ए एक्स का वैल्यू। ए वाई जो है बॉल का वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में होगा माइनस जी कॉस थीटा इंटू वेक्टर जी। ये वेक्टर फॉर्म में लिखने की आप हैबिट डाल लीजिए, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वेक्टर फॉर्म में करके देखिए, उससे कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। हिरुडो के क्वेश्चन फिर करके देखिए उसके बेसिस पर। अब मैं इसका वेक्टर आर लिखना चाहता हूँ पोजीशन, उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले के टर्म्स में एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसको ऐसे भी लिखते हैं एस इज इक्वल टू एस जीरो प्लस यू टी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर, एस जीरो जो है पोजीशन जो है टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे। तो इस फ्रेम में टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे ये ओरिजिन पे था, तो इसीलिए मैं ये एस जीरो ना लिख के सीधा ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखा। इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो ये ऐसे हो जाता है, और एस की जगह मैंने आर लिख दिया सिर्फ, तो यू वेक्टर टी प्लस ए वेक्टर टी स्क्वायर अपॉन टू। यू की वैल्यू कितनी है बॉल की, वो है यू जीरो कॉस एल्फा आई प्लस यू जीरो साइन एल्फा जे। बस यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू पता है, तो आर का वैल्यू आया यू जीरो कॉस एल्फा आई प्लस यू जीरो साइन एल्फा जे इंटू टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन टू, और ए की वैल्यू क्या है माइनस म्यू के इंटू जी कॉस थीटा माइनस जी कॉस थीटा इंटू, ये है आई से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जे से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आई और जे को सेपरेट कर लीजिए वेक्टर, इजी रहेगा, तो यू जीरो कॉस एल्फा आई माइनस म्यू के जी कॉस थीटा टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस, अब जे को सेपरेट कर लीजिए, प्लस यू जीरो साइन एल्फा टी माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन टू कॉस थीटा इंटू जे। ये आई और जे के टर्म्स में आ गया, मैं इसको आई को बाहर लिख लेता हूँ, ये आई वेक्टर बाहर लिख लेता हूँ, फिर दो कंपोनेंट आ गए आपके। अब जब वो स्ट्राइक करेगी बॉल प्लैंक पे वापस, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है इस प्लैंक के फ्रेम में मीन्स जे कंपोनेंट जीरो होना चाहिए जे के साथ, ये तो डिस्प्लेसमेंट है ना बॉल का विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, तो अलग अलग टाइम में अलग अलग पोजीशन है। जब स्ट्राइक करेगा तो जो आर वेक्टर हमारा आ रहा है उसका वाई कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, तो इसको आप जीरो रख दीजिए, तो वो है यू जीरो साइन एल्फा इंटू टी इज इक्वल टू, उससे हो जाएगा ये जीरो रखने से जी टी स्क्वायर अपॉन टू कॉस थीटा। सो टी का वैल्यू आया ट्वाइस यू जीरो साइन एल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। आपका टी का वैल्यू आया, उसका हम कैपिटल टी रख लेते हैं। अब इस टी की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा, और नेचुरली ये तो हमारा जीरो आएगा आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी हम जीरो रख चुके हैं, तो ये टी की वैल्यू जब रखेंगे इसको तो आप मान के चलिए जीरो आएगा ही। बेसिकली आपको फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करना है, तो वो आएगा यू जीरो ट्वाइस यू जीरो स्क्वायर साइन एल्फा कॉस एल्फा अपॉन जी कॉस थीटा माइनस, ये आएगा आपका फोर यू जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू म्यू के जी कॉस थीटा अपॉन टू। तो जी कॉस थीटा आपका कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आएगा यहाँ पे ट्वाइस यू जीरो स्क्वायर साइन एल्फा कॉस एल्फा अपॉन जी कॉस थीटा माइनस ट्वाइस यू जीरो स्क्वायर, ऊपर आएगा साइन स्क्वायर एल्फा म्यू के अपॉन जी कॉस थीटा। अब इसमें एक कॉमन ले लेते हैं, कुछ चीज़ कॉमन आ रही है, इसको एक इंटरेस्टिंग चीज़ अभी मैं करके दिखाता हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। ट्वाइस यू जीरो स्क्वायर साइन एल्फा अपॉन जी कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, हमारा अंदर आया कॉस एल्फा माइनस म्यू के साइन एल्फा, ये आपका आया डिस्प्लेसमेंट जो प्लैंक में बेसिकली ब्लॉक बॉल जो शिफ्ट की जिस पॉइंट से फेंका और जिस पॉइंट पे लैंड किया वो ये डिस्टेंस है। अब देखिए सपोज प्लैंक जो है मूव ना कर रहा होता, मतलब जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है नीचे, तो प्लैंक में फोर्स रखा था एम जी साइन थीटा, फ्रिक्शन फोर्स इतना है कि प्लैंक जस्ट स्टॉप हो रखा है मूव नहीं कर रहा है, वो है फ्रिक्शन फोर्स म्यू जी कॉस थीटा। अगर एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम
जी म्यू कॉस थीटा, तब प्लैंक मूव नहीं करेगा, दोनों फोर्स बैलेंस कर रहे हैं, इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, मतलब साइन थीटा जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू जी कॉस थीटा, मीन्स म्यू की वैल्यू है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये म्यू स्टैटिक है। एनीवे अप्रॉक्सीमेशन करते हुए अगर हम यू की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यहाँ पे रखें, मैं इंटरेस्टिंग रिजल्ट दिख रहा हूँ, यू जीरो स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, म्यू की वैल्यू है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये जब आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा ट्वाइस यू जीरो स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस थीटा ब्रैकेट अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा। रिकलेक्ट कीजिए, ये इंटरेस्टिंगली आपका रिलेशनशिप है इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल जब फेंकते हैं तो डिस्प्लेसमेंट, वही हुआ अगर जब प्लैंक आपका मूव नहीं कर रहा तो बेसिकली वो फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन हुआ, उससे आपका अगर आप म्यू की वैल्यू वो रख दें जिसमें प्लैंक मूव नहीं करेगा तो इंटरेस्टिंगली ये फार्मूला वही फार्मूला आ जाता है जो आपके इंक्लाइंड प्लेन का फॉर्मूला है।